वाई किया था जो कि ईयर का फॉर्मूला में से डेट में से ईयर निकाल देगा, राइट। एन किया था जो कि मंथ फॉर्मूले के अंदर मंथ निकाल देता है डेट में, राइट। लेकिन ये जो मंथ निकालता है, इसकी सातवां महीना है, सात निकालेगा, बट आप चाहते हैं जुलाई निकाल। हाँ तो जुलाई के लिए, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक्सेल की बात करें तो टुडे हमने यहाँ पे लिख रखा है, और इसको हम इसमें से सिर्फ मंथ का फॉर्मूला लगाएं तो ये सेवन अलग करेगा, लेकिन मुझे जुलाई अलग करना है तो क्या करते हैं? हम यहाँ पे टैक्स का फॉर्मूला लगाते हैं तो हाँ यस सर जुलाई आ जाता है। तो सेम यहाँ एम इक्वल टू मंथ ना करेंगे, यहां पे करेंगे फॉर्मेट। टेक्स्ट का फॉर्मूला जो एक्सेल में है, वीबीए में, वो फॉर्मेट बन जाता है, फॉर्मेट यूज होता है, ठीक है। फॉर्मेट डेट बोले ओके क्लियर है? या फिर एक और तरीका है, एक और फॉर्मूला जो कि एक्सेल के इनबिल्ट फॉर्मूला होता है, मंथ नेम। मंथ नेम यूज कर सकते हो, लेकिन यहां पे आपको डेट नहीं डालना पड़ेगा। यहाँ सेवन डाला, और सेवन डालोगे तो यहाँ पे आपको मंथ का नेम आएगा। तो सेवन क्या हो सकता था? सेवन हो सकता था मंथ और यहाँ पे डेट। ये यूज कर सकते हैं ऑटोमेशन के लिए। एक ये तरीका भी है, समझ गया? सर जैसे डेट में भी अगर करना चाहे तो हो सकता है, जैसे 18th of July। नहीं, क्योंकि फाइल या फोल्डर का नेम में आप स्लैश इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप डेट करना है तो उसे उसको लिए क्या करना पड़ेगा, डी इक्वल टू फॉर्मेट और इसमें डेट और कॉमा इसमें एमएम स्लैश, सॉरी डी डी स्लैश एमएम डैश वाई 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 करना पड़ेगा। ओके किसी भी फाइल एंड फोल्डर में ये स्लैश का एक्सेप्ट नहीं करता है। ये सिस्टम की, एक्सेल की ये प्रॉपर्टी है कि एक्सेल की प्रॉपर्टी कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। सर हेलो हेलो हाँ बोलिए विकास जी, क्या पूछ रहे हैं? सर मेरे को एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है काफी दिनों से मेरे माइक में, मेरे को अब मेरी आवाज सुनाई नहीं देती सर। ये प्रॉब्लम क्या है सर? मैं है ये आवाज ही नहीं आ रही है सर। सर अभी माइक बदल दीजिए। चेंज करके नहीं, देखो विकास सर। की आवाज नहीं आ रही है। विकास की आवाज आ रही है, छोटी आवाज बहुत कम आ रही है, धीरे से। हाँ वही बोल रहा। कोई सेटिंग वगैरह तो चेक नहीं है क्या? कोई कभी कोई सेटिंग से प्रॉब्लम हो? सर क्या रिकॉर्डिंग में आपकी आवाज नहीं आती है? पता हाँ जी सर। नहीं बाकियों को तो आती है। आप लोगों की रिकॉर्डिंग आवाज आती है? हाँ सर आती है कभी कभी, वो विकास की ही नहीं आती। और सर आपके है, पता नहीं क्या गुण सर, हो ये सकता सर कोई है। सेटिंग तो नहीं है उसमें गो टू मीटिंग की? नहीं अभी तक मुझे ऐसी जो सेटिंग पता नहीं चला, सेटिंग होगा तो सबके लिए होगा ना, कि आपके लिए थोड़ी हो। सर मैं इसका यही चेंज करता हूँ, शायद हेडफोन में प्रॉब्लम है फिर ये। ओके तो ये समझ में आ गया, और कोई डाउट है आपको? आज हमारे साथ अमोल जी नहीं है, एज ए डायमंड उन्होंने ज्वाइन किया है। अमोल जी, ये बेसिक की क्लासेस चल रही है, हमने प्रोग्रामिंग की आज हमारी तीसरी क्लास है। पहली में हमने बताया था वर्कबुक को हैंडल करना, दूसरी में मैंने बताया था वर्कबुक को कैसे किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं अपने वर्किंग लाइफ में, और आज जो हमारा है वो सीट्स के ऊपर है। तो हम आपको किसके बता रहे ऊपर हैं है? सीट्स वर्कशीट, क्योंकि ओके हम बेसिक से ओके एक्सेल सीख रहे हैं। हमने पहली क्लास में बताया था कि किस तरीके से आप फाइल क्रिएट करोगे, फाइल को सेव करोगे, सेव एज करोगे, फाइल को ओपन करोगे, प्रोटेक्ट करोगे। ये चीजें हमने लास्ट क्लास में सीखी थी, जो कि जनरली अगर बेसिक आप एक्सेल सीखने जाते हो तो आपको इस चीज की जरूरत पड़ती है। अब आगे बढ़ते हैं शीट्स के ऊपर, कि मान लीजिए कि मैं
के जरिए नया सीट ऐड करना चाहूं, सीट को डिलीट करना चाहूं, सीट को रिनेम करना चाहूं, हाइड करना चाहूं, अनहाइड करना चाहूं, प्रोटेक्ट करना चाहूं। चलिए सीट तो मिली करते हैं ना, एक नई सीट लेते हैं, सीट को रिनेम करते हैं, सीट को डिलीट करते हैं, उसको मूव करते हैं, उसको कॉपी करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, अनप्रोटेक्ट करते हैं, हाइड करते हैं, अनहाइड करते हैं। इन सबों का वीवीए में क्या कोड होगा, चलिए पहले इसके बारे में हम जानते हैं। उससे पहले हमें जानना होगा कि आप सीट को, जो वर्कशीट है, उस वर्कशीट को कॉल कैसे करोगे। देखिए सीट के बेसिकली दो नाम होंगे, एक प्रॉपर्टी नेम, एक कैप्शन। मतलब बाहर जैसे कि मैंने सीट वन है, इसको मैंने जैन कर दिया, तो इसको लोग कैप्शन नेम के नाम से जानेंगे, कैप्शन नेम हुआ। अमोल जी आपके बैकग्राउंड से शोर आ रहा है, तो प्लीज म्यूट कर लीजिए, जब कुछ पूछना होगा तो अनम्यूट। तो कैप्शन नेम और एक होता है प्रॉपर्टी नेम, जो कि जब आपकी जो विजुअल बेसिक रीडर है उस पे जाते हैं, तो यहां जाता है शीट वन, शीट टू, शीट थ्री, शीट फोर, ये जो ब्रैकेट से पहले है हमारा प्रॉपर्टी नेम है। तो प्रॉपर्टी नेम के अकॉर्डिंग भी हम कॉल कर सकते हैं कि शीट वन डॉट एक्टिवेट या सिलेक्ट। उसके बाद आता है शीट टू डॉट एक्टिवेट भी कैसे कर सकते हो, लेकिन अगर कैप्शन नेम के अकॉर्डिंग करना हो तो मुझे करना होगा शीट जैन डॉट सिलेक्ट या एक्टिवेट। दो तरीके हो गए। तीसरा तरीका आता है उसका इंडेक्स नंबर से, कि मैंने बोल दिया कि सीट वन डॉट सिलेक्ट, जो वन हो गया इससे इसका कोई मतलब नहीं है कि इसका प्रॉपर्टी नेम सीट वन हो या इसका कैप्शन नेम जनवरी या सीट वन हो, इसका सीक्वेंस मतलब कि पहले पे है। और मान लीजिए मैं जन उठा के फाइव को रख दिया तो फाइव को एक्टिवेट करेगा, क्योंकि पहले पोजिशन पे हमारा फाइव है, ठीक है। सिचुएशन या इन तीनों में से कौन सा हम इस्तेमाल करेंगे कब, तो पहले शीट वन, जैसे आपकी नेम जो है, मतलब यूजर बार बार शीट का नेम चेंज कर देता है, जब इसमें जैन है तो फाइव होगा, मार्च होगा, अप्रैल होगा, बट सीट वही होता है, तो वो सीट को डिलीट इंसर्ट नहीं करते, हम रिनेम करते हैं। तो उस केस में आप कैप्शन नेम को लेकर, कैप्शन नेम को यूजर चेंज नहीं कर सकता है, वो वीवी के जरिए ही जाके चेंज हो सकता है कि इसके इस पे हम इस पे क्लिक करेंगे और फिर यहां से इसको चेंज करेंगे प्रॉपर्टी में जाके। लेकिन मान लीजिए कि आपका नेम फिक्स है, समरी, रिपोर्ट, डेटा, लेकिन सीट बार बार डिलीट होते रहता है, डिलीट होते रहता है, इंसर्ट होते रहता है, तो उस केस में हम इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि तो जैसे सीट डिलीट होगी उसका प्रॉपर्टी नेम चेंज हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें नहीं पता कि उसका प्रॉपर्टी नेम, कैप्शन नेम क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि एक फाइल है, उस फाइल में सब सीट का डेटा कॉपी करना है, अब सारे सीट का नेम क्या है क्या जानते हैं, तो उसके लिए हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसका यूज ज्यादातर लूप वगैरह में हम इस्तेमाल करते हैं, जब लूप वगैरह यूज करते हैं तो इसमें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सीट की कॉलिंग में समझ में आ गया सर, जैसे कोई सीट है और हमसे वो डिलीट हो गई वहां से, तो क्या उसको रिकवर कर सकते हैं इसी के थ्रू? नहीं, नहीं कर सकते सर। अगर हमने वहां और वहां नाम चेंज कर दें तो? नाम चेंज करेंगे तो वही रहेगा ना। ओके, मतलब वो ये केवल नंबर वाइज ही चलेगी अपनी शीट वन शीट टू के अकॉर्डिंग। हाँ, ओके, अब आगे बढ़े इसमें। अब इसमें नेक्स्ट जो हमारा आता है, उस नेक्स्ट फीचर्स के बारे में चलते हैं।
अब मैं अगर मान लीजिए कि ये करता हूं तो शीट्स को ऐड कैसे करें, तो शीट्स डॉट ऐड, एक शीट आपका ऐड हो गया। अब ऐड गई सीट को या किसी भी सीट को रिनेम करना, तो मैं चाहता हूं जो सीट मैंने ऐड किया है उसी को रिनेम करना, तो उसके लिए दो तरीके, एक तो यहां पे मैं एक्टिव शीट डॉट नेम करके इसका नेम जो चाहे वो रख सकता हूं। लेकिन मैं ऐड, मुझे एक पर्टिकुलर नाम से ही सीट ऐड करना है, सीट डॉट ऐड यहां पे नेम कर दीजिए इक्वल टू अपना जो नाम है वो नाम डाल सकते हैं। लेकिन जब भी आप सीट ऐड करेंगे उसका पोजीशन, उसका पोजीशन होगा जो एक्टिव सीट है उससे पहले। लेकिन मैं चाहता हूं कि किसी पर्टिकुलर शीट के बाद मेरा शीट ऐड हो, तो उस केस में शीट्स डॉट ऐड और स्पेस करेंगे, यहां पे देखिए क्या आ रहा है, बिफोर आफ्टर, मुझे किसी सीट के बाद ऐड करना है, मतलब कि आफ्टर ऐड है पिलाना है, तो जैसे एक कॉमा डालेंगे आपका, यहां देखिए आफ्टर बोल्ड हो गया। अब यहां पे लिखूंगा मैं कि शीट्स, मान लीजिए मुझे इसमें सीट फोर के बाद ऐड करना है, तो मैं डायरेक्ट सीट फोर ऐसे नहीं लिख सकता हूं, मुझे सीट्स के कॉलिंग मेथड जो ये ऊपर है ना, इसके इसके अकॉर्डिंग डालना होगा। सीट फोर, तो सीट फोर के बाद इसको ऐड करें। लेकिन मैं चाहता हूं कि अब एक बार में एक ही सीट ऐड होता है, मैं चाहता हूं कि पांच सीट ऐड करना है, पचास सीट ऐड करना है, तो यहां पे काउंट पे नंबर रखेंगे तो उतना शीट एक बार में लग, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमेशा सबसे लास्ट में ऐड हो, अभी कितने शीट्स हैं, छह शीट्स हैं, तो यहां मैं सिक्स कर दूंगा तो सबसे लास्ट में ऐड करें। लेकिन हर बार छह होगा इसकी गारंटी तो नहीं है ना, तो यहां पे एक फॉर्मूला होता है शीट्स डॉट काउंट, जो कि एक्टिव फाइल का, एक्टिव वर्कबुक का शीट काउंट करके बताता है कि कितने नंबर ऑफ शीट्स है। तो ये इस कोड क्या करेगा, हमेशा आपको सबसे लास्ट में शीट को ऐड करेगा। क्लियर है? तो शीट को ऐड करना और रिनेम करना दो चीज आप सीख गए। किसी को डाउट इसमें? नहीं है। चलिए अब बात करते हैं शीट को मूव करना। पता नहीं कि हम लोग इसे जैन को लिया और मैंने यहां पर रख दिया, इसे मूव कर दिया या कॉपी कर दिया, कंट्रोल और प्रेस करके हम इसको सिलेक्ट करके इसको कॉपी कर देते हैं ना, तो मूव एंड कॉपी क्या होता है, तो जैसे कि मान लीजिए कि मुझे सीट वन को मूव करना है, तो सीट वन डॉट मूव। अब मैंने सीट वन ही क्यों लिया, वो आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे कि मैंने यहां बताया था ना कि कब इसे इस्तेमाल करें, उसके अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हो आप। तो अगर मैंने सीट वन डॉट मूव करके छोड़ दिया, ये क्या करेगा कि ये सीट को मूव तो करेगा, मतलब कि जैन इसको, जैन सीट को मूव तो करेगा, लेकिन न्यू वर्कबुक एक नई फाइल खोल के उसको ऐड करेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसी वर्कबुक के अंदर, तो यहां पे बिफोर और आफ्टर देना पड़ेगा कि किसके बाद और कहां मूव करना है। तो मैंने आफ्टर दे दिया कि सबसे लास्ट में माले, तो लास्ट में है, सीट डॉट काउंट कर देते, सबसे लास्ट में ऐड कर देगा। सेम उसी तरह से कॉपी, कि मुझे सीट वन की कॉपी बनानी है, सीट वन डॉट हम यहां पर लिख दिया मूव, और मैंने अगर मैंने सीट मूव मैं कॉपी करना, जैसे कॉपी होगा ना, कॉपी अगर कर दिया तो एक नई फाइल इंसर्ट करके उसमें कॉपी करेगा, अदरवाइज जिस सीट के बाद कॉपी करना वो कर सकते हो। तो एक तो हुआ कि अगर इसके आगे कुछ ना डाले तो वो आपको हमेशा एक नई फाइल के अंदर जाके कॉपी करेगा, मूव करेगा, अगर डालते हो तो सेम फाइल। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास ओपन की गई कोई अनदर फाइल हो उसमें करना, जैसे मुझे बुक टू के अंदर ऐड कर उस सीट को कॉपी करना है, तो उस केस में हम क्या कोड लिखेंगे, तो उस केस में यहां पे जो हम
अपने वर्कबुक का पास दे देंगे कि वर्क बुक्स कौन सा, तो बुक 2.xlsm डॉट शीट, तो उसको कॉपी करें। अमोल जी समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। तो सर ये वर्कबुक्स वाला दोबारा बताना। वर्कबुक्स मतलब कि अगर कोई अनदर फाइल है जो कि ओपन है, मतलब कि अगर आप कुछ नहीं लिखते हो तो नई फाइल क्रिएट करता है ना, लेकिन मैं बोलता हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी फाइल है, क्रिएटेड है और ओपन है, उसमें मूव करना है, तो उस फाइल का पूरा पास दे दीजिए यहाँ पे नाम जिसे डालते हैं फाइल में, ठीक है। तो मूव एंड कॉपी समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं फाइल की डिलीट करने का, जैसे सीट वन को हम डिलीट करते हैं मान लीजिए, तो डिलीट में ये डिलीट नहीं करेगा, जैसे ये माइक्रो रन करेंगे तो आपके पास माइक्रो मतलब जब भी कोई सीट डिलीट करते हैं तो एक अलर्ट आता है, ये अलर्ट आके आपका माइक्रो रुक जाएगा, जब तक मैं इसको डिलीट पे क्लिक नहीं करूंगा अगले की कोड को परफॉर्म नहीं करने देगा, ठीक है। तो क्या करें, तो हम एप्लीकेशन की सेटिंग चेंज कर देंगे कि भाई डिस्प्ले अलर्ट दिखाए ना, तो मैं यहां पे इसके ऊपर इस कोड से ऊपर एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू फॉल्स कर देता, तो अब मुझसे बिना पूछे वो डिलीट कर देगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा हमेशा। अब डिलीट ना करूं मैं सीट को हाइड करना चाहूं, तो सीट को हाइड करने के लिए यहां पे होता है कि विजुअल, विजुअल में तीन चीजें होती है, पहले आपने अगर सीट हिडन कर दिया, एक्शन सीट हिडन सेलेक्ट किया, तो क्या होगा कि जनरली जब हम किसी फाइल के सीट के ऊपर जाके हाइड कर देते हैं ना, वो हाइड होगा, मतलब कि जो भी फाइल को यूज करेगा वो उसको अनहाइड कर पाएगा नॉर्मली। लेकिन मान लीजिए कि मैंने यहां पे एक्सेल सीट हिडन की जगह पे वेरी हिडन सिलेक्ट किया, वेरी हिडन सिलेक्ट करने से क्या होगा कि जब वो हाइड होगा तो आप यहां से मतलब कोई भी पर्सन नॉर्मली यहां से अनहाइड नहीं कर सकता, अनहाइड करने के लिए खाया तो उसका यहां जो विजुअल वेरी सीट हिडन के नीचे जाता है विजुअल, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर उस पर्टिकुलर शीट के प्रॉपर्टी पे जाके यहां से विजुअल सेलेक्ट करना पड़ेगा, समझ गए? फिर से बताएंगे सर क्या बोला इसमें सर? जी सर, एक्सेल सीट हिडन सेलेक्ट करते हैं तो यूजर बाहर से जाके आसानी से अनहाइड कर सकते, अगर आप वेरी हिडन सिलेक्ट करते हैं, वेरी हिडन सिलेक्ट करते हैं तो वो वीबीएम माइक्रो के जरिए ही विजुअल होगा, ऐसे नॉर्मल विजुअल नहीं होगा, ओके ठीक है। तो विजुअल करने के लिए आपको यहां से विजुअल का सिलेक्ट करना पड़ेगा इसकी प्रॉपर्टी में जाके, या फिर इस कोड को रन करना पड़ेगा, समझ गए? हाँ सर। तो सीट को हाइड और अनहाइड करना भी हम सीख गए, और नेक्स्ट आता है सीट में पासवर्ड डालना। सर हेलो, बोलिए ना सतबीर जी। सर ये जो पीछे जो डिलीट सीट वन डॉट डिलीट लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू फॉल्स दिया है, क्या हम इसके जगह ये ना देके डिलीट डैश ट्रू भी कर सकते हैं? डिलीट डैश ट्रू नहीं कर सकते क्योंकि डिलीट का कोई एक्शन डिटेल नहीं होता है, ओके ओके ठीक है, ओके सर। सर हिडन वाले में जानकारी ये जानना है सर, ये केवल एक ही सीट एक बार में हाइड करेंगे, मल्टीपल सीट को हाइड या नहीं कर सकते? मल्टीपल शीट यहाँ लिख सकते हैं तो मल्टीपल शीट वो कर सकते हैं,
ये तो विजुअल बताता हूँ आपको, वो तो विजुअल जो है वो तो काम करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर ना। आप एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स लिख सकते हैं, लिखने का तरीका आप पता है, तो एक से ज्यादा भी काम करेंगे। वो कैसे करेंगे वही वही बताते हैं, इंतजार कीजिए। अब इसमें आती है प्रोटेक्शन। अगर मैं यहां पे प्रोटेक्ट कर दूं और पासवर्ड डाल दूं, तो ये जो हम राइट क्लिक करके शीट प्रोटेक्ट होता है उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं प्रोटेक्शन। लेकिन ये जो बहुत सारे चेकबॉक्स है ना, ये कैसे सेलेक्ट करें? तो इसके लिए जब मैं इस पे स्पेस करता हूँ ना, ये सारे ऑप्शन आते हैं। मान लीजिए मुझे जो है ना फॉर्मेटिंग अलाउ करना है कि पासवर्ड डालने के बाद भी कोई भी एनीबॉडी इसको फॉर्मेटिंग कर सके, तो मैं कॉमा 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 और यहाँ पे ट्रू कर दूंगा। ठीक है, तीस तरह से इसका कर सकते हैं। वापस अनप्रोटेक्ट करना, तो यहां पे अनप्रोटेक्ट और यहां पे पासवर्ड। अब जैसे कि इन्होंने पूछा कि एक से ज्यादा सीट कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए करना होगा शीट्स और यहां होगा एरे, और एरे के अंदर में आप अपने शीट का नेम दे दे, कैप्शन नेम है जैन कॉमा शीट टू कॉमा शीट फोर। अब उसके बाद इस पे आप जो करना चाहे कर सकते हैं, डिलीट करना चाहे, हाइड करना चाहे, अनहाइड करना चाहे, कॉपी करना चाहे। ठीक है, समझ गया सर? सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, पूछिए। सर जैसे हमने इसको प्रोटेक्ट किया है शीट को, क्या हम ऐसे टाइम पीरियड भी कर सकते हैं कि ऑटोमेटिकली 1 वीक या 2 वीक्स बाद वो जो फाइल है क्रैश हो जाए? कर सकते हैं इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग के जरिए। क्रैश करना चाहते हो, क्रैश नहीं हो पाएगा, वो प्रोटेक्ट हो जाएगा, ओपनिंग नहीं हो पाएगा। ओके सर, क्योंकि क्रैश क्रैश कैसे करेगा, डिलीट करेगा ना, और जो फाइल जब फाइल डिलीट होगा, जब तक जो डिलीट जब तक वो ओपन होगा फाइल डिलीट नहीं हो सकती ना। तो सर ऐसा हो कि उसको बस वीबीए के थ्रू ही खोल सकें और मतलब उसको खोल ही ना सकें? वो है, आपको बताऊंगा आगे चल के, अभी आगे चीजें है, वो इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। ओके ठीक है, तो अभी क्या करें, शीट्स के ऊपर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, शीट्स पे जो है छोटे मोटे प्रोग्राम बनाने की कोशिश करें, फिर मैं आपको कल शीट से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट करूंगा, जैसे कि फाइल एंड फोल्डर से रिलेटेड मैंने प्रोजेक्ट किया था, ऐसे एक प्रोजेक्ट मैं आपके साथ करूंगा। लेकिन उससे पहले आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें। ठीक है सर, आपसे ये था, हाँ इसलिए मेरे को लगभग 100-200 फाइल अलग अलग मेल आईडी पे भेजना है, उसका कोई मैक्रो बना हुआ है क्या सर? हाँ मैंने बताया ना आपको, आप यूट्यूब पे जाएं और फाइल सेंडिंग भाई आउटलुक करके होगा, वीडियो बहुत सारे वीडियो है मेरे यूट्यूब पे, फाइल सेंडिंग वो हाँ आउटलुक मेल सेंडिंग या फाइल सेंडिंग होगा ऐसे कुछ। ठीक है सर, ठीक है, तो मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके बाय, गुड नाइट।